हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल बाय बायिया आई होप यू ऑल आर क्रिएट करने वाले हैं ये पाकिस्तानी स्टाइल ग्लिटरी आई मेकअप एक ब्राइडल लुक है एंगेजमेंट पे कर सकते हो निकाह के टाइम कर सकते हो रिसेप्शन पे कर सकते हो सो so, बेसिकली अगर आपको कोई भी फंक्शन के लिए ग्लिटरी आईस करना है देन दिस टूटोरियल इज परफेक्ट लेंसेज मैंने हेजल कलर की लगाई है इसके बाद स्किन प्रेप क्या है स्किन प्रेप करने के लिए फेस को अच्छे से सेटिंग स्प्रे से स्प्रे किया है और उस उसपे मॉइस्चराइजर लगाया है मॉइस्चराइजर को ड्राई होने के बाद ग्रिपिंग प्राइमर लगाया है और ग्रिपिंग प्राइमर लगाने के बाद भी उसे अच्छे से ड्राई होने देंगे नाउ इफ यू वॉन्ट टू नो के ग्रिपिंग प्राइमर यूज करने का सही तरीका क्या है तो आप मेरे पिछले वीडियोज देख सकते हैं उस पर मैंने डिटेल में बताया है कि ग्रिपिंग प्राइमर आप सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हो नेक्स्ट मैं कलर करेक्ट कर रही हूँ कलर करेक्टिंग के लिए अगेन मैंने स्विस ब्यूटी का जीरो वन शेड लिया है ये जो शेड है ये मोस्टली ऑल इंडियन स्किन टोन पे चले जाता है फॉर कलर करेक्टिंग बिकॉज ये थोड़ा सा डार्क और वार्म भी है एंड एज यू गाइज नो मैं ऑरेंज करेक्टर ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ मैं डार्क कंसीलर ही प्रेफर करती हूँ बिकॉज वो मैं ज्यादा लेयरिंग नहीं करनी पड़ती है ऑरेंज को हाइट करने के लिए आज के ट्यूटोरियल में भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करूंगी फॉर दोस्त जो ब्यूटी ब्लेंडर प्रेफर करते हैं तो यू विल गेट एन आइडिया की ब्यूटी ब्लेंडर से भी फुल कवरेज बेस और थोड़ा ब्राइडल बेस कैसे अचीव कर सकते हैं कलर करेक्टिंग के बाद मैंने स्किन टोन का फाउंडेशन लिया है और पूरे फेस पे अच्छे से लगा रही हूँ ना जब ब्राइडल लुक होता है ना तो फाउंडेशन जो होता है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं ताकि एक फुल कवरेज बेस मिले ना ऑफकोर्स क्लाइंट टू क्लाइंट प्रेफरेंस रहता है जिनको नेचुरल बेस पसंद है उनपे आप कम फाउंडेशन दीजिए जिनको थोड़ा फुल कवरेज बेस पसंद है उनपे आप धीरे 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 लेयर्स बिल्ड कर सकते हैं फाउंडेशन को भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूंगी सारे नोज के पास से, फोरहेड के पास से जो सब कुछ आपको अच्छे से और हल्के हाथ से कम प्रेशर के साथ ब्लेंड करना है फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद हमने लगाया है क्रीम ब्लश क्रीम ब्लश के लिए अगेन मैं अपना इनसाइड कॉस्मेटिक्स का क्रीम ब्लश यूज कर रही हूँ पीच शेड में बिकॉज हमारा आउटफिट ग्रीन है तो हम पिंक पीच टोन्स में जा रहे हैं क्रीम ब्लश लगाने के बाद मैंने हाइलाइटिंग कंसीलर लगाया है हाइलाइटिंग कंसीलर के लिए मैंने ये न्यू कंसीलर ट्राई किया था कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स का और इसका फिनिश कवरेज बहुत अच्छा है इजीली ब्लेंड भी हो जाता है और कवरेज भी फुल मतलब मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज दे देता है हाई एरियाज आपको अब तक याद हो ही गए होंगे अंडर आइज पे और सेंटर ऑफ द फेस पे हाईलाइट कर दे टू मेक द सेंटर ऑफ द फेस अपियर ब्राइटर हाईलाइट करने के बाद मैंने अपने पॉन्स के लूज पाउडर से पूरे बेस को अच्छे से, से सेट किया है और अच्छे से आपको पतली पतली लेयर्स लगा के बेस को सेट करते जाना है जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि पाउडर की क्वांटिटी ज्यादा रिक्वायर्ड है या आपने बेस पे लेयर्स ज्यादा दिए वहाँ पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा पाउडर यूज कर सकते हो ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए बेस को लॉक करने के बाद मैंने अंडर आइस पे बेकिंग टेक्निक यूज किया है बिकॉज हम ग्लिटर्स शिमर्स और फिर थोड़े डार्क कलर्स के आई यूज करने वाले हैं तो जो भी फॉल आउट होगा उनको हम इजिली डस्ट ऑफ कर पाएंगे आई प्रेप के लिए मैंने कलर करेक्टिंग की है बिकॉज आईलेट पे थोड़ा पिगमेंटेशन था उसके बाद मैंने एक हाइलाइटिंग शेड ऑफ कंसीलर लगाया ताकि इनके स्किन टोन से जो क्लोजेस्ट मैच है वो क्रिएट हो जाए हाइलाइटिंग कंसीलर लगाने के बाद आइस के लिए एक डार्क पीच शेड लेके मैंने एंड में वी शेप ड्रॉ किया है और वही वी शेप को मैं ब्लेंड करते करते पूरे क्रीज पे लेके आ रही हूँ मेन जो कलर फोकस है वो हमारा आइस के आउटर पार्ट पे ही रहेगा आप धीरे धीरे कलर की इंटेंसिटी बिल्ड कर सकते हैं फिर मैंने एक डार्कर ब्राउन शेड लेके एंड में छोटा वी ड्रॉ किया है और उसे भी ब्लेंड किया है और फिर ब्लैक और ब्राउन मिक्स करके एक मैंने स्लांट लाइन ड्रॉ की है और उसे भी ब्लेंड कर लिया है ताकि एंड से थोड़ा स्मोकी इफेक्ट मिले फिर मैंने एक शिमा शेड दिया है पूरे आईलेट्स पे जो आउटफिट से मैच हो रहा था सेम शिमर दिया है शिमर लगाने के बाद उसके को भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंड होने के बाद मैंने जेल किया है जेल आप एक आईस पे पे करो ग्लिटर लगा लो फिर आईस पे करके ग्लिटर लगाओ ताकि आपके पास टाइम हो अच्छे से ग्लिटर अप्लाई करने का लूज ग्लिटर्स मैंने दो शेड मिक्स करके कस्टम शेड क्रिएट किया था आउटफिट के कलर से मैचिंग तो अगर आपके पास कोई ऐसा यूनिक कलर नहीं है तो आप अपने मिक्स करके न्यू शेड्स भी बना सकते हैं ग्लेटर को भी मैंने अपने आई शेडो प्लेसमेंट ब्रश की हेल्प से प्रेसिंग मोशन में अप्लाई किया है और आप ग्लेटर कभी भी सेंटर से लगाना स्टार्ट करोगे फ्रंट में अप्लाई करोगे और फिर जो बचा होगा उसे एंड में लेके आओगे ये करने के बाद मैंने एजेस जो है उसने हल्का सा क्लीन ब्रश से ब्लेंड कर लिया है लाइनर के लिए एक सिंपल लाइन ड्रॉ की है और उसे एंड से स्मच किया है ताकि एक स्मोकी इफेक्ट मिले और जो हमारा लाइनर है वो आइस के आउटर पार्ट में जाके अच्छे से मोर्ज हो जाए लाइनर आप ऑफ ऑफकोर्स अपनी चॉइस का दे सकते हैं यू कैन ऑल्सो गो विथ विंग लाइनर और यू कैन ऑल्सो गो विथ सिंपल लाइनर इट इज अप टू यू यू कैन एड वेराइटी टू टू दिस लुक काजल के लिए मैंने जेल लाइनर ही यूज किया था बिकॉज वो ज्यादा इंटेंस दिखता है और ज्यादा अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है काजल लगाने के बाद मैंने लोअर लाश लाइन पे ब्लैक शेड एड किया है और जो आइस पे ट्रांजेशन शेड लगाया था उसी शेड से ब्लेंड कर दिया है आइस कम्पलीट करने के बाद मैंने बेस कम्प्लीट किया है बेस के लिए मैंने ब्रॉन्जर एड किया है ताकि फेस पे एक डायमेंशन क्रिएट हो और कलर एड हो जाए न मेरी मॉडल का फोर हेड जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है इसके लिए मैंने ब्रॉन्जर हेड लाइन से क्लोज रखा है और जो ऑनलाइन पे भी मैंने सिर्फ जो ईयर के पास वाला पार्ट है वहां पे स्ट्रक्चर दिया है चीक बोन पे मैंने अच्छे से ब्रॉन्जिंग है वहां पे स्ट्रक्चर ऐड किया है फिर ब्लश के के लिए लिए मैंने जो ट्रांजिशन शेड शेड का आई लगाया था वही को मैच करने के लिए दो ब्लश मिक्स किए है और एज अ ब्लश यूज किया है कस्टम क्रिएटेड शेड उसे भी मैंने पूरे चीक बोन्स पे नोज पे चिन पे फोरहेड पे अप्लाई किया है न जब भी आप ऐसा कुछ ब्राइडल लुक कर रहे होते हैं तो ब्लश की कौन the क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखना ही बेटर होता है बिकॉज ब्लश सबसे पहले फेड होता है फेस पे से तो एंड तक ऐसा ना हो कि आपका पूरा फेस पे से कलर ही हट जाए आई एम नॉट सेइंग पुट अ लॉट ऑफ ब्लश बट पुट अ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ब्लश ना जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि फेस पे और स्ट्रक्चर एड करना है और और क्लीन लुक देना है फेस को तो आप अपने पाउडर पफ पे थोड़ा सा पाउडर लेके चीक बोन्स के नीचे एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं और आइस के आउटर एंड पे एक ऐसे लाइन क्रिएट कर सकते हैं बाद में उस पाउडर को डस्ट ऑफ कर दीजिए इससे एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है एक डायमेंशन क्रिएट हो जाता है फेस पे और ओवरऑल एक क्लीन लुक मिलता है उसके बाद मैंने मैंने लैशेस 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 लगाई है है अगेन मेरी गौरी कॉस्मेटिक्स की की ही यूज बिकॉज ये आई लुक पे ऑफ कोर्स हम हैवी भी दे सकते हैं बट मैंने बहुत हैवी लैशेस नहीं दी है ताकि मेरा आई मेकअप जो है वो भी अच्छे से विजिबल हो लैशेस भी अच्छे से विजिबल हो और ओवरऑल बैलेंस लगे लुक लिप शेड के लिए मैंने अगेन कस्टम क्रिएट किया है शेड को पहले क्रस्टिक ब्राउन शेड मैंने पूरे लिप्स पे लगाया है उसके बाद सेंटर में मैंने मेबिलिन का सिडक्ट ऐड किया है फॉर द पाउटी इफेक्ट अब ऑफ कोर्स अगर आपकी प्रेफरेंस न्यूड में है तो आप और न्यूड जा सकते हैं अगर आपकी प्रेफरेंस थोड़े बोल्ड लिप्स की है तो आप थोड़ा और बोल्ड जा सकते हैं इस लुक के साथ आई वुड नॉट सजेस्ट अ रेड लिप बिकॉज वो क्लैश करेगा पूरे ओवरऑल लुक के साथ एंड दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड आई होप यू गाइज लर्न थ्रू इट एंड आई मैंशन ऑल द प्रोडक्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो आई मेन्शन माई इंस्टाग्राम अकाउंट इज वेल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो I'll see you guys again next time with another tutorial. Till then, take care. Bye.